ये देखिए, ये एक इनर बनाया है और एक ये देखिए ये इनर बनाया है। इतने इजी इनर हैं ये, बिल्कुल आप ये देखिए बैक साइड से शुरू होते हुए ये मैंने ऊपर तक लेके आके फिर सामने फ्रंट साइड हमने बनाया है इसको। और इट्स सो इजी टू लर्न, और 100 ग्राम के अंदर ये बन गया है। एक इनर जो है न्यू बॉर्न के लिए है, 0 to 3 मंथ्स ओल्ड के लिए है। तो आप जो भी कलर इस्तेमाल कर लें और जो भी आप जो है वो जो वूल इस्तेमाल करें, ये बेसिकली ये बेबी वूल है लेकिन थोड़ी सी थिक है ज़रा। तो मैं 9 नंबर पे दोनों को बनाया है, जो मेरी सिलाई का नंबर है 9 नंबर है। 3.25 कर लें आप। तो ये देखें, ये आप इसको बनाइए फिर हमको हम ये बताएं फिर आप इसको कि कैसे आपको लगा। ये मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि आपको सारा आराम से समझ आ जाए इसको, और स्टेप बाय स्टेप सारा समझाने की कोशिश की है। इजी ट्यूटोरियल है, इसको आप फॉलो कीजिए और इसको बनाएं, और अपनी बेबी के लिए बनाएं, आप गिफ्ट देने के लिए बनाएं। तो आप चलें इसको बनाते हैं फिर। अब देखेंगे बेबी वेस्ट जो है हमने बना के रखी हुई है 0 to 3 मंथ्स ओल्ड के लिए। ये सामने से ऐसे है और पीछे से ऐसे है, और ये पीछे से हम बनाना शुरू करेंगे और फिर आगे ऐसे बनाते हुए यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, तो ये 0 to 3 मंथ्स ओल्ड के लिए है। तो इसके लिए हम 50 फंदे डालेंगे बैक साइड से, 2 उल्टे 2 सीधे का हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, 50 फंदे डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बेबी वूल है और मेरी 10 नंबर की ये सिलाई है जो है, ये मेरी सर्कुलर नीडल है। तो ये मैं ये देखें, ये बेबी वूल है मेरी, इतनी थिन भी नहीं है और इतनी थिक भी नहीं है, बड़ा अच्छा ये इसका टेक्सचर है। तो मैं ये 50 फंदे आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये 50 फंदे डालनी हैं 50। तो अब 2 सीधे 2 उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे, 2 into रिब बनाएंगे, 2 into 2, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। इसी तरह सारी मैं रो करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक रो मैंने मुकम्मल कर ली है। अब हम राइट साइड पे हैं, ये रॉन्ग साइड से हमें रो मुकम्मल की है। तो अब जो हमें जैसा नज़र आ रहा है वैसे हमने बनाते चले जाना है। 2 पहले हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं, उनको हम उल्टा बनाएंगे, फिर हमें 2 ये सीधे नज़र आ रहे हैं देखें, उनको हम सीधा बनाएंगे, फिर हमें 2 उल्टे नज़र आ रहे हैं ये देखें, और इनको हम उल्टा बनाएंगे, फिर हमें 2 सीधे नज़र आ रहे हैं ये देखिए। इस तरह ये कुछ ऐसे आपको इसका पैटर्न सा बनता नज़र आ रहा है। तो ये मैं पूरी रो करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। तो अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा 2 सीधे 2 उल्टे का पैटर्न। तो अब हमने 2 रोज मुकम्मल कर लिए हैं, हमने कुल 7 रोज और बनानी, तो 5 रोज हम और बनाएंगे इसी पैटर्न पे 2 सीधे 2 उल्टे की। तो चलिए यह बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 7 रोज मुकम्मल कर लिए हैं 2 उल्टे 2 सीधे की बॉर्डर की। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हमने गार्टर स्टिच में जो है वो बनाना है इस वेस्ट को। तो वह आप मैंने 30 रोज़ बनानी है गार्टर स्टिच में। आपको पता है गार्टर स्टिच की एक जो रो है, यानी एक जो उसकी लाइन होती है वो 2 रोज से बन के बनती है। वो यानी एक तरफ से सीधा बनाएं, दस तरफ सीधा बनाएं तो एक रिज हमें मिलती है। तो उसको उस तरह की हमने 30 रिजेज़ बनानी है। तो चाहे तो आप सीधा सीधा बना लें, चाहे तो आप गार्टर स्टिच को उल्टा उल्टा बना लें। तो मैं तो उसको सीधा सीधा बनाऊँगी। अब आप मन चाहे तो आप बेशक सीधा उल्टा उल्टा भी बना सकती हैं।
तो ये मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा यानी गार्टर स्टेच में 30 रोज बनाती हूँ। ये देखें जिस तरह ये मैंने बनाया है, ये 30 रोज है यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ दोनों तरफ से सीधा सीधा, ठीक है। ये मैं रो मुकम्मल कर लूँ, फिर उसके बाद मैं सेकंड रो में बताऊँगी। लेकिन सीधे से मैंने सीधी रो बना ली है, अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से भी मैं सीधा सीधा ही गार्टर स्टेच में बना रही हूँ। देखें कि ये रिज बनती चली जा रही है, कि एक लाइन हमें संग हमने 30 बनानी है, ठीक है। ये बना आप अपने बेबी के लेंथ के हिसाब से ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं ये जो लाइंस हैं। तो मैं 30 रखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसकी जो है वो 0 to 3 months ओल्ड बेबी के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं आपको बना के फिर 30 रोज बना के दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 30 रिजेस बना ली हैं, यानी हमने 60 रोज बनाएंगे। तो अब हमने ये पार्ट शुरू करना है, ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। तो हमने अब इसका ये आर्म होल यहाँ से शुरू करना है, इसका जो है स्लीव का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। ये आर्म होल का पार्ट तो हम दो पहले सीधे बनाएंगे, तीन एक स्लिप करेंगे, दो सीधे, फिर दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, ऐसा हमने बनाना है। तो बनाते हैं, शुरू करते हैं। पहला स्लिप, दो सीधे, फिर हमने ये दो उल्टे बनाने हैं। ये देखें ये उल्टे का हमारा है, दो उल्टे बनाएंगे और दो सीधे, फिर दो उल्टे। ऐसा आपने ये पूरे 2 into 2 का पूरा आपने ये बनानी है, आपने बॉर्डर सब बनाना है ये पीछे, ठीक है। तो ये मैं बना के दिखाती हूँ, आखिर में हमारे ये तीन सीधे आएंगे, ठीक है। तो ये मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अच्छा देखेंगे, मैं दो उल्टे दो सीधे की पूरी रिब बना के मैं आखिर में आ गई हूँ। अब हमारे पास तीन ये फंदे हैं, तो इनको हम तीनों को सीधा बुन जाएंगे। अब मैं रॉन्ग साइड पर हूँ, तो इसको हम पहला स्लिप करेंगे, ऐसे उतार लेंगे हम इसको, और ये दो हमें यहाँ पे उल्टे नज़र आ रहे हैं, हम इनको उल्टा बना लेंगे, इनको हमें सीधा बनाना, सॉरी इनको हमने सीधा बनाना है ऐसे। अब ये हमें दो उल्टे नज़र आ रहे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे, फिर हमें दो सीधे नज़र आ रहे हैं, उनको दो सीधा बना लेंगे। इस तरह आपने ये पूरी उल्टे उल्टा सीधा सीधा बनाते हुए आपने आखिर में मैं यहाँ तक, फिर आपको ताकि क्या करने यहाँ तक पहुँचती हूँ मैं। देखिए नेट करते हुए दो उल्टे पे उल्टा सीधे सीधे उल्टा बनाते हुए मैं रेप जी पूरी यहाँ पे आखिर में आ गई हूँ। अब दो सीधे बनाऊँगी, ये दो सीधे नज़र आए, दो सीधे बना लिए, तो अब इनको भी हमने सीधा ही बनाना है क्योंकि हमारा बॉर्डर बन रहा है। तीनों सीधे, अब जब आप पलट जाएंगे तो आपने पहला जो है इसको आपने स्लिप कर लेना है ऐसे ऐसे, ठीक है, पर्ल वाइज। और ये आपने जो बॉर्डर के हैं आपने सीधे बनाने हैं, और बाकी आपको जो जैसे नज़र आ रहे हैं वे दो उल्टे हमें नज़र आ रहे हैं, हम दो उल्टे बनाएंगे। और इस तरह आपने 22 रोज बनानी है, ठीक है। अब हमने जो है वो हमारी तीसरी रोज शुरू हो चुकी हुई है, तो इस तरह आप अपने टोटल जो है वो 22 रोज बनानी है। उसके बाद फिर हम ये गले के जो है ना ये बनाएंगे हम डिज़ाइन जो है ये वाला, ठीक है। तो ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ 22 रोज। अच्छा अब हमारी ये देखें 22वीं हमारी रो है फ्रेंड्स, ये हमारी 22वीं रो है। तो हमने इसमें जो है वो 15 हमने बना लिए हैं, 15 हमने शोल्डर के बनाए हैं, 20 हमने बीच में ये इसके जो गला है हमने इसके जो है वो हमने बनाने हैं दो रो सीधी सीधी, और फिर तीसरी रो पे हम इसको बंद करेंगे।
तो और 15 हमने यहाँ पे छोड़ लें, ठीक है। तो अभी हमने 15 बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1। तो अब हम सीधी सीधी बनाएंगे, दो रोज़ हमें सीधी सीधी गले की बनानी है, जैसे ये हमने बनाई है ये। ये हमने 20 फंदे के बीच में हमें सीधे सीधे बनाने हैं। बाकी हमने शोल्डर के हमने वही जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं वैसे हम बनाएंगे। बीच में जो 20 फंदे हैं 15 के बाद वो हमने सीधे सीधे बनाने हैं दोनों तरफ से, गाटर स्टिच में दो रोज बनानी है। तीन हम और बनाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम ये बाकी जो है ये हम जैसे हम शोल्डर्स बना रहे हैं वैसे हम बनाएंगे, दो उल्टे दो सीधे का जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं। ये हमारा स्लीव का पार्ट है जो हम बना रहे हैं, हमारा जो आर्म होल का साइड है वो हम बना रहे हैं। ये मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, शोल्डर का तो जैसे हम बना रहे हैं डिज़ाइन वैसे ही बनाएंगे, दो उल्टे दो सीधे का और ये बॉर्डर। तो अब हमने ये जितनी जो हमने 20 जो फंदे हमने सीधे उस तरफ से बनाए थे तो इस साइड पे हम सीधे बनाएंगे। ये हमने बना लिया, अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने ये बाकी दो उल्टे फिर दो सीधे फिर दो उल्टे फिर दो सीधे फिर दो उल्टे सीधे, ये हमने आखिर में बॉर्डर है सीधों का ऐसे। तो एक रो हम ऐसे और बनाएंगे कि यहाँ से शोल्डर बनाएंगे, बीच में सीधा सीधा बनाएंगे और उसके बाद फिर ये शोल्डर बनाएंगे, फिर शोल्डर बना के फिर सीधे सीधा बनाते हुए फिर शोल्डर बनाते हुए हम सामने फ्रंट साइड पे आएंगे, फिर इस पे हमने इसको बाइंड ऑफ करेंगे। ये मैं आपको फिर बना के दो रोज एक ये रो और एक ये रो बना के दिखाती हूँ, फिर सीधे तरफ आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा फ्रेंड्स देखें, ये अब हमने गले को हमें दो रिजेस हमारी बन गई हैं, ये देखें यहाँ से बॉर्डर भी बन गया है, ये हमारी शोल्डर भी बन गया है। अब हमें इसको बाइंड ऑफ करना है।
लेकिन इससे पहले बाइंडिंग करने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि हमने आगे ये गले का जो है तीन तीन फंदे भी हमने रखने हैं इसी गले में से निकालने हैं यहाँ से पीछे से। तो वो कैसे हम करेंगे वो आप देखें कि ये अभी हम शोल्डर साथ जो है बनाएंगे और जैसे हम बनाते चले आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे ये जो दो उल्टे दो सीधे का डिज़ाइन। ये 15 फंदे जो हैं हम बनाएंगे। अब हमने तीन फंदे जो हैं ये गले में से हमने रखने हैं इसको, तो ये हम जो तीनों को हम सीधा बनाएंगे, इनको हम बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, इनको हम इसमें शोल्डर में शामिल करेंगे क्योंकि हमने ये आगे गले को जाके बनाना है, क्योंकि गले का ये बॉर्डर मैं जैसे कि आपको बताया ये बनाना है। तो बीच में अब हमारे पास 14 फंदे बचते हैं वो हम जो है वो बाइंड ऑफ कर लेते हैं। एक अब ऐसे जब कर लें जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से करके ये ज़रा ढीला सा बंद होता है। हमें फिर तीन हम फिर छोड़ेंगे, बीस में से हमने तीन इधर छोड़ दिया तीन इधर, तो हमारे 6 निकल के तो बाकी हमारे पास 14 बचे। सारा लूज बंद होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन और तीन ये छोड़ेंगे। अब हम 4 और बंद करेंगे, 3 हम ये छोड़ देंगे। ऐसे के बंद करते आ रहे हैं ऐसे। एक और हम बंद करेंगे। तीन हमने छोड़ने हैं। ये देखिए ठीक है ना, अब ये 15 शोल्डर के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 1 15 शोल्डर के, 3 ये हमारे गले के हो गए। तो अब हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे, पहला हम सीधा सीधा बनाएंगे गले को। अब हम ये शोल्डर पहले बनाएंगे, इसको हम बाद में बनाएंगे ठीक है। तो जैसे कि शोल्डर का डिज़ाइन है वैसे हम बनाएंगे, दो उल्टे दो सीधे का जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं। अब हमने फिर 22 जो है ये जैसे हम ये 22 बनाई थी ये 22 सिर्फ 22 हमने अब आगे बनानी है ठीक है। अब आपको ये शोल्डर साथ ये जो गले का पार्ट है ये जो हम बना रहे हैं ये वाला ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ, ये जो है ऐसे ठीक है। मैं एक दफ़ा और एक आपको बना के मैं तरीका बता देती हूँ।
बहुत इजी है। तीन जो हमने सीधे बनाने हैं, ये वाला अब हम पलट जाएंगे। और पहला, जैसे कि हम यहाँ से पहला हम स्लिप करते हैं, तो हम पहला बगैर बुने उतार लेंगे ऐसे पर्ल वाइज, ऐसे दो हम सीधे बनाएंगे, अभी फिर जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। इस तरह आपने ये सारा ये वाला पोर्शन बनाना है। और जब आप ये शुरू करने लगेंगे, उससे पहले आपने यहाँ बटन होल बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए। तो मैं आपको जब यहाँ पहुँचेंगे तो हम मैं आपको बताऊँगी बटन होल जो है वो तो पहली रिब पे बना लेंगे, ठीक है। ये मैं फिर आपको बना के इतना पार्ट मैं दिखाती हूँ, फिर उसके बाद ये दूसरा जो पार्ट है वो भी आपको बताऊँगी कैसे बनाना है इसको। इसी तरीके से बनाना है जैसे ये बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। तो आप बस आपने ऐसे बनाते चले जाना है, सॉरी। जैसे बॉर्डर यहाँ पे जो ये भी एज बनाना है और इधर से ये गले का एज बनाना है, तो ये मैं आपके बना के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी 22 लाइन मुकम्मल हो गई हैं। यहाँ से मैंने गिनी है, तो यहाँ से लेकिन यहाँ तक 22 है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। हम 7 फंदे बढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि हमने ये 50 है ना पीछे फंदे जो हैं, 50 हैं ये हमारे, तो हमने 25 यानी आगे जो पोर्शन है 25 ये हमने इसके बढ़ाने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास 18 हैं, तो कैसे बढ़ाने वो देखिए आप। कि पहला स्लिप तो दो आगे सीधे जो बना रहे हैं बनाएँ ऐसे, उसके बाद फिर आपने ये एक उल्टा बना लिया। अब आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा लें या आप यहाँ से फंदा उठा के बढ़ा लें, या जैसे आप बढ़ाते हैं वैसे बढ़ा लें। मैं ऐसे बढ़ाऊँगी, एक बढ़ा लिया। अब एक आपने नीट कर लेना है, और अब आपने नहीं बढ़ाना, एक और नीट करें, फिर एक बढ़ाएं, एक नीट करें, एक और नीट कर लें। अब आपने सारी लाइन जो है सीधी बनानी है, ठीक है। ये आपने सीधी लाइन बनानी है, एक और नीट करें, एक और बढ़ाएं फिर आप, और एक नीट करें, एक और नीट करें, क्योंकि अभी हमने एक छोटे एक हम बढ़ा रहे हैं। एक नीट करें, एक और नीट करें, एक बढ़ाएं, एक नीट करें, एक और नीट करें। तो हमने कितने बढ़ा लिए, कितने हमारे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 होने चाहिए हमारे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 22 and 20। एक और बढ़ाएं आप, और फिर एक और बढ़ा लें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे कितने हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 और 1, 25। अब हमारे पूरे 25 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने इनको सीधा सीधा बनाना है,
जैसे कि हमने ये बनाते चले आ रहे हैं एक आर्टिस्टिक में, पहला स्लेट ये जो हमारा जो हमने बढ़ाया हुआ था, ये देखें इसकी शेप ऐसी है, तो इसको हमने पीछे से बैक लुक से हमने इसको सीधा बनाना है ऐसे। हमने 7 फंदे बढ़ाए हैं, पहले 18 थे, बैक लुक से बनाते जो हमने बढ़ाए हैं उनको आप बैक लुक से बनाते चले जाएं ताकि आपको कोई फिर सुराख नजर ना आए। ड्रॉप हो गया था स्टिच। बॉर्डर आपने ऐसे ही बनाते चले जाना ऐसे ही साथ ही। ठीक है, हमारी ये रेट मुकम्मल हो गई है, हमारी सेकंड रेट शुरू होने लगी। अब हम यहाँ पे जो है बटन होल बनाएंगे। ठीक है, ये बटन होल बनाएंगे हम, ये एक उतार लें, आप स्लिप कर लें, दो आप सीधे बना लें ऐसे। एक सीधा बनाया, अब आपने धागा आगे करके ऐसे, तो ये बटन दो का आपने एक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ ये बटन होल बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपने सीधे बनाए ऐसे। हर अब ये हमने बटन होल बनाया है ना, उसके हम फिर 12 रिजेस के बाद हम दूसरा बटन होल बनाएंगे, फिर 12 रिजेस के बाद ये जो लाइनें हैं इनको हम रिजेस बोल रहे हैं, फिर 12 के बाद फिर ये तीसरा, 3 हम रिजेस बनाने बटन होल बनाने हैं। ये देखें ना हमारा ये यहाँ बटन होल है, इसको हम सीधा बना लेंगे ऐसे, और ये बाकी भी सीधे। तो ये देखें हमारा बटन होल बन गया है, ये देखें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसी तरह हमने ये 30 रोज़ बनानी है, तो 2 रोज हमारी बन गई हैं, तो बाकी 28 रोज और बनानी है। और इस तरह आप ये देखते आएँ कि अब आपने ये बटन होल बना लिया ना, तो इसके बाद आपने ये जो रो बनी है हमारी, इसको शामिल करके, ये जो है इसके बाद जो रो बनी है इसको शामिल करके आपने 11 रोज और बनानी है, यानी इस तरह की 11 रिजेस और बनानी है। तो फिर आपने जो 12वीं रिज होगी इसको आपने इसमें बटन होल बनाना है, फिर आपने 11 रिजेस बना के 12वीं में इस तरह बनाना है। ठीक है, 3 बटन होल बनाने हैं, तो ये मैं बना के अब आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी 11 रिजेस हो गई, 12 हमारी शुरू होने लगी है। तो ये देखिए, इसके बाद ये जो काज था, इसके बाद हमने 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12th मंच हुएंगे। और 12th पे इस तरह हमने ये कार्ड बनाया था, बटन बोर्ड बनाया था, इस तरह हम यहाँ भी बनाएंगे। तो दो हमने बना ली हैं, अब हम धागा अपने तरफ करके तो बनाएंगे। ये कार्ड हमारा बन गया है। अब ये पूरी मैं ये लाइन करके और दोबारा करके आपके सामने यहाँ फ्रंट साइड पे फिर मैं आपको राइट साइड पे। अच्छा ये देखिए राइट साइड पे मैं ये रो बना के आ गई। ये हमारा रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड पे देखें ये इस तरह हमारे ये बन रहा है, इस तरह ये हमारा बन रहा है। तो यहाँ हमने एक ये कार्ड बनाया है, तो एक कार्ड ये हमने बनाया है। तो यहाँ पर जो एज है हमें स्मूथ चाहिए, तो इसलिए हम ये पहला जो है वो बगैर बुने उतार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें स्मूथ एज नहीं चाहिए, तो हमने सीधा सीधा बस बनाते चले जा रहे हैं। जैसे अब हम यहाँ सीधा आखिरी बनाया, तो इसको हम स्लिप नहीं करेंगे बल्कि हम इसको सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें चूँकि सिलाई हमने करनी है साइड पे यहाँ पे, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्मूथ एज, अगर आपका चाहे दिल तो आप स्मूथ एज रख सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हम उल्टी साइड से हम बना रहे हैं, रॉन्ग साइड से। ये देखिए यहाँ से हमने वहाँ से ये का जो है वो दो का एक हमने किया था फंदों का, तो यहाँ से हमने बुन लिया है। और अब हम सीधी तरफ से देखें हमें नज़र आएगा ये, एक हमने ये बना दिया काज बटन होल, एक हमने ये बटन होल बना लिए, दो हमारे बन गए हैं। अब तीसरा हम ये बनाएंगे सीधा, 11 नीचे 12वीं पे हम बनाएंगे। उसके बाद फिर हमने ये बॉर्डर बनाना है। 30 रोज मुकम्मल हो गए हैं, मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। डबल डबल गिनूँगी रोज़ को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 2, 15। ये 15 रोज़ मतलब डबल मैन गिन तो 30 रोज़ हो गई। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसका ये बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो पहले हम स्लिप करेंगे और दो सीधे, फिर दो उल्टे, जैसे कि हम बनाते चले आ रहे हैं बॉर्डर, हम स्लिप करेंगे इसी तरह जैसे हम करते चले आए हैं, और दो सीधे बनाएंगे। अब दो उल्टे की बारी आ गई है, ये दो सीधे, ये बॉर्डर के साथ बनेगा ना जब हम ये बनाते चले आ रहे हैं ये वाला बॉर्डर, ये तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा बनेगा। तो इस तरह ये 7 रोज़ मुकम्मल करके तो 8th पे हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो चले मैं 7 रोज़ मुकम्मल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैंने 8 रोज़ मुकम्मल किए 7 के बजाय, और अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे 9th के ऊपर, हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। इस तरह हम पहले को बुनेंगे और इसका नॉर्मल तरीके से जैसे हम बाइंड ऑफ करते हैं या जैसे आप बाइंड ऑफ करना चाहें। देखिए बाइंड ऑफ होता जा रहा है बड़ा अच्छे तरीके से, चेन सी बनती जा रही है।
ये हमारे ये वाला पार्ट मुकम्मल हो गया है। एक साइड पे तो हम इतना सा रख के सीने के लिए हमें साइड से सीना है इसको, तो हम ये काट देते हैं। देखेंगे हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया है। अभी दूसरा जो पार्ट बनेगा बिल्कुल सेम बनेगा, इसी तरह हम यहाँ से जो है वो बॉर्डर पर हम 22 फंदे बनाएंगे, सब बॉर्डर बनाते सारी जो है ये गले का बॉर्डर बनाएंगे। जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे इधर तो फिर हम जो फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन बस यहाँ पे हमने इस साइड पे जो हमारा एज होगा हमने उसमें बटन होल नहीं रखे, क्योंकि वो हमारा फिर बगैर बटन होल्स का जो होता है वो पार्ट होगा। तो ये मैं फिर आपको सेम इसको हम ऐसे ही बनाएंगे उल्टी साइड से, हम धागा यहाँ से मैं फिर आपको बना के दिखाऊंगी बाद में, ठीक है। तो अभी तक ये आप देखें इतना हमारा ही बन गया है, ये देखें ऐसे। तो ये हम फिर बाद में बस यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे इस साइड पे और बटन लगाएंगे, ये बनाएंगे। तो ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ बॉर्डर फिर बनाएंगे। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये 30 रोज़ यानी 30 डिजिट्स मैंने बना ली हैं, रोज़ जो हैं वो 60 बनी हैं, मैंने बटन भी लगा दिए हैं। बस अब हमने इसका ये बॉर्डर ऐसा बनाना है। इसको देखिए यहाँ से मैंने स्टिच भी कर लिया है, तो अब इसको हम स्टिच कर इसको बाद में स्टिच करेंगे, पहले हम बॉर्डर बना लें। तो हम दो सीधे पहले बनाते हैं, दो उल्टे, जैसे कि हम ये बॉर्डर बनाते चले आ रहे हैं, दो सीधे दो उल्टे रिब का, 2x2 रिब। आखिर में हमारे पास 3 बच्चे हैं, तो 3 जो हम ये बॉर्डर छोटा सा बना रहे हैं जैसे ये बनाते आ रहे हैं यहाँ पे भी, तो हम उसको सीधा बनाएंगे, 3 जो हैं आखिर में सीधे बनाएंगे, ठीक है। अब पलट जाएं, तो पहला जो है वो आप पर्ल वाइज उतार लें ऐसे, और दो सीधे हमें नजर, ये हम दो सीधे ही बनाएंगे, उसके बाद दो उल्टे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, ये हमें सीधे नज़र आ रही है सीधा बनाएंगे। अब सीधे सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा हमने डालते चले जाना है। इस तरह सारी हमने ये बनानी है, हमने 8 रोज़ बनानी है, 200 सीधे और 2 उल्टे की रिब की, और 9th पे भी हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे जैसे हमने इसको बाइंड ऑफ किया, ठीक है। ये मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये हमने 8 रोज़ मुकम्मल कर ली हैं, तो अब हम इसको बाइंड ऑफ, ये 9th रो हमारी, हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। लेकिन सब बाइंड ऑफ करके मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। देखिए मैं बाइंड ऑफ करते हुए आखिर तक पहुँच गई हूँ। छोटा सा इसको रख के हम काट लेंगे और इसको फिर अंदर टक इन कर देंगे, यहाँ पे इसको टक इन कर देंगे ऐसे। तो अब हम
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे, ये हमारा आर्म होल पर, ठीक है। इसको हम स्टिच करते हैं, अब हम जगह इसको मैंने टक कर लिया है यहाँ पे, अब हम इसको यहाँ बाहर से सीएंगे। तो जैसे हम सीते आ रहे हैं, आपको मैंने तरीका बताया हुआ है अपने चैनल पे, सिक्स स्टिच लें और यहाँ सिक्स स्टिच लें। ये पूरा, ठीक है। ये देखिए मैं इन तक पहुँच गई हूँ उसको सीते हुए। साफ स्टिचिंग हो गई है, अब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे आप नॉट दे लें, और इसको अंदर आप धागे को अंदर कर दें। ये जी, ये आपकी इनर आपका तैयार है। वेस्ट बोल दें, इनर बोल दें, ये देखें अंदर से ऐसे सिलाई है। तो ये आगे हम बटन बंद करते हैं, फ्लैट बटन लगाएं, क्योंकि इनर में बच्चे को छोटा न्यू बॉर्न है तो उसके लिए फ्लैट बटन ठीक रहेंगे, उठाते हुए बच्चे को चुभेंगे नहीं, ठीक है। और देखें ये बैक साइड से हमारा ये ऐसे बना है, ठीक है, ये देखें, और ये ऐसे बना है। और ये जो है आर्म होल इतने न्यू बॉर्न के लिए बिल्कुल ठीक है ये, और गला भी बिल्कुल ठीक है, और ये आर्म होल, और ये आप आराम से ऊपर भी पहना सकते हैं और बतौर इनर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाएं, फिर आप मुझे फीडबैक दें। ये बहुत ईजी है, इसको आप बस जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, तो आप आराम से उस फोन से इसको आप बना लेंगे। बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ है सीखने के लिए, जल्दी बन जाता है, 100 ग्राम्स में के अंदर ये बन जाता है। तो चलिए बनाएंगे, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसे आपको लगा बनाना इसका, और पिक्स भेजें मुझे, व्हाट्सअप कर दें। ओके, बाय देन।